ये रंग बिरंगा तारा बनाए खातिर अपने के दूगो समबाहु त्रिभुज या त्रिकोण लगी। ये त्रिकोण का एज का लंबाई 20 सेंटीमीटर होके, सबसे पहले गुलाबी कागज ले, गुलाबी त्रिकोण ले लें, ओकरे बीच में ओकर बिंदु मार के ओकर तीनों कोना वो बिंदु से जोड़ लें मोड़ के। ऐसा कहले के बाद ये षटकोण या षटभुज के जैसा दिखे। यही तरह पीला त्रिकोण से भी अपन षटभुज बना लें। ऐसा कहले के बाद गुलाब की षटकोण ले लें और ओके पलट दें और ओकर एगो एज मोड़ के बीच में रख लें और ओके मोड़ दें। यही तरह एगो छोड़ के दूसरा एज के वापस मोड़ लें। एक तरह तीन गो एज मोड़ लें ताकि अपन के वापस समबाहु त्रिभुज मिल सके, त्रिकोण मिल सके। ऐसा कहले के बाद तीनों हिस्सा वापस से अंदर की तरफ मोड़ लें और आखिरी हिस्सा के एक पहले वाला हिस्सा के ऊपर करके अंदर लॉक कर लें। आप लोग देख सके नीचे कित तरह, आप लोग एक सामने का और पीछे का दृश्य भी देख सके नीचे। अभी दोनों त्रिकोण के पीछे के हिस्सा में आप लोग तीन गो और छोट छोट समबाहु त्रिकोण देख सके नीचे। ये त्रिकोण के आप लोग उठा लें, गुलाबी और पिलका त्रिकोण दोनों में आप लोग देख सके नीचे कित तरह। ऐसा कहले के बाद अपन पिलका त्रिकोण लेके गुलाबकी त्रिकोण के ऊपर वाला पंख नुमा त्रिकोण के अंदर डाल लें और ओकरे ऊपर रख लें। आप लोग देख सके नीचे केत तरह। ऐसा कहले के बाद ये बहुत ही सुंदर सितारा लगेला, रंग बिरंगा। आप लोग एकर आगे का और पीछे का दृश्य देख सके नीचा ये कैसन दिखेला। यही तरह आप लोग एगो छोट सितारा और बना सके नीचा। ओकरे बाद बड़ सितारा के बीच में गोंद लगा लें। गोंद लगाइले के बाद अपन छोटका सितारा जोन हवे ओके बड़का सितारा के बीच में चिपका लें ताकि ये बहुत ही अच्छा सितारा दिखे, बहुत ही रंग बिरंगी लगेला ये दिखले में। हवे ना बहुत ही अच्छा सितारा, ये आप लोग घर पे भी बना सकेंगे, बहुत ही आसान हवे।